good morning class 7th students today we will be studying our chapter number 5 the noun gender and case genders of the noun you have already read that the genders are of four types in english language they are masculine gender feminine gender common gender neuter gender i again repeat

ए नाउन दैट डिनोट्स आ मेल सेक्स ऑफ ए पर्सन और एनिमल एक नाउन एक संज्ञा शब्द तो जो कि किसी व्यक्ति या किसी जानवर का मेल सेक्स मतलब उसके पुलिंग होने उसके पुरुषलिंग होने का बताता है उसे हम लोग मैस्कुलिन मैसपुलजेंडर बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर फादर हॉस बॉय मैन ब्रदर डॉग एट्रा सेकेंड वन इज फेमिला एनजेंडर A noun that denotes a female sex of a फीमेल और एनिमल is said टू बी ऑफ the feminine gender वो नाउन जो कि हमें स्त्रीलिंग या स्त्री जाति के बारे में बहुत कराता है उसे हम लोग फेमिन जेंडर बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मदर मेयर गर्ल वुमन सिस्टर बिच एक्सेट्रा थर्ड वन इज कॉमन जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स बोर्ड अ मेल और ए फीमेल एक नाउन जो कि मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताता है इस साइड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर वो नॉन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है एज फॉर एग्जाम्पल मैनेजर प्रेसिडेंट एनिमी टीचर डॉक्टर फ्रेंड एट्सेट्रा फोर्थ वन इज जेंडर ए नाउन दैट इज यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट और थिंग विदाउट लाइफ एक नाउन एक वो संज्ञा शब्द जो कि हम किसी वस्तु के बारे में यूज़ करते हैं जिसके अंदर जीवन नहीं होता है विदाउट लाइफ जीवन नहीं होता है जिसमें उसे हम लोग जेंडर बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बुक पेन चेयर ट्री शूज़ एक्सेट्रा वी आल्सो रिमेंबर दैट समटाइम्स अ लिटल बेबी और ए स्मॉल एनिमल इज़ प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ जेंडर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कभी कभी लिटिल बेबी और स्मॉल एनिमल को हम लोग न्यूट्रोजेंडर की कैटेगरी में ही डालते हैं द लोअर एनिमल्स विच हैव नो इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्स फॉर द स्पीकर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रोजेंडर वो छोटे पशु या जानवर जो जिन कि जिनके लिए सेक्स के लिए का इंपॉर्टेंस नहीं होती है लिंग की इम्पोर्टेंस नहीं होती है वो भी न्यूट्रोजेंडर के अंतर्गत आते हैं कलेक्टिव नाउन समूहवाचक नाउन जो होते हैं इवन वैन दे डिनोट लिविंग बींग्स यदि वो लिविंग बींग्स को भी डिनोट कर रहे हैं और आल्सो पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रोजेंडर उनको भी हम न्यूट्रोजेंडर की श्रेणी में ही डालेंगे जैसे क्राउड जेंट्री एट्सेट्रा बट द डोमेस्टिक बर्ड्स एंड एनिमल्स लेकिन जो पालतू पशु अभी जानवर जिन्हें हम पालते हैं सेक्स ऑफ विच है सम इम्पोर्टेंस फॉर द स्पीकर आउटपुट अंडर द कैटेगरी ऑफ मेस्कुलन जेंडर उनको हम मेस्कुलन जेंडर के अंतर्गत डालेंगे जैसे कि हॉर्स कॉक पिकॉक एटसेट्रा फैमिली जेंडर में डालेंगे मेयर हैं बी हैं पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एज फॉर एग्जाम्पल सन समर विंटर टाइम डेथ एट्सेट्रा द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी वो वस्तुएं हैं जो कि हमें सुंदरता जेंटलनेस बुद्धिमानी क्लियर मार्क करती हैं बताती हैं पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर उन्हें हम फेमिली एनजेंडर की श्रेणी में डालते हैं एज फॉर एग्जाम्पल द मून द आर्ट स्प्रिंग ऑटम नेचर जस्टिस मर्सी पीस एक्सेट्रा देन केसेस ऑफ द नाउ नाउन हैव थ्री केसेस। नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस द सब्जेक्ट ऑफ ये वेल्फ इन ए सेंटेंस इट है इन द नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट जो होता है किसी ऑफ ए वर्फ इन ए सेंटेंस एक सेंटेंस में वर्फ का सब्जेक्ट ही डोमिनेटिव केस कहलाता है सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्फ इन ए सेंटेंस इस सेट टू बी द ऑबजेक्टिव केस सेंटेंस में वर्क का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं ऑबजेक्टिव गवर्ड बाई अ प्रिपोजिशन इस आंसर सेट टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस थर्ड वन इजिव केस अनाउन इसव केस

देन ये जो हॉर्स है इसे हम क्या कर देंगे मेयर्स दिस वन मेयर्स आर ग्लेजिंग इन द फ्ड द कोक क्लोज अर्ली इन द मॉर्निंग देन कोक को हम चेंज कर देंगे हैंड में